फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में। तो दोस्तों करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज चुका है 12:15 और सारा काम धाम निपट चुका है और मिट्टी और दीपेश गए हैं हॉस्पिटल। आज छोटू का चेकअप का टाइम था। तो अभी ऐसा हो रहा है सुनसान सा घर में, छोटू ही जैसे बड़ी चहल पहल रहती है कि अभी क्या कर रहा होगा अभी क्या कर रहा होगा। अरे इस अलमीरा से ना पूरा पूरा लग रहा है कि ये बच्चे का कमरा है। और रोशनी क्या कर रही, अच्छा रोशनी धो रही है छोटू के कपड़े। अभी उसके कपड़े धो रही है रोशनी। अब बहुत अच्छा काम कर रही है रोशनी, आराम से लगी रहती है बढ़िया ढंग से। बहुत अच्छा लग रहा है उसके काम को देख करके, आराम से। एक बार जो चीज़ बता दी इसको वो उसी को फॉलो कर रही है। किसी को सिखाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन इसको जो चीज़ बता दी कि रोशनी ये ऐसे करना है तो उसी ढंग से काम कर रही है। और सीधी लड़की भी है, बढ़िया है, बहुत अच्छा और अच्छे ढंग से रह रही है। सबसे बड़ी बात है कि पहले 2 दिन तो बुरा लगा उसको लेकिन अब उसने समझ लिया कि मुझे यहीं रहना है, मेरा घर है। बहुत बढ़िया ढंग से आज मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं आई मैंने। और बनकर मैं देखती हूँ कि अब मैं जाने वाली हूँ तो ये सफाई कैसे करके करती है, तो बढ़िया ढंग से कर रखी है। धो दिए थे? हाँ। गुड, आराम जानो। वहाँ कबूतर भी है, हाँ मारेगा तुझे पंख नहीं तो। देख ले उसको आराम से ले जाओ, वहाँ पे लटका दे उसको, ठीक है? ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है? हाँ उधर की साइड को, साइड को, साइड को ये पहन ले। ये ऊपर का टॉप है और वो है जींस, ठीक। अब ये पहन ले तब वो वन में कहो ट्राउजर चुम आओ ना। हाँ है चलो जींस नहीं हो डेर में पहन हो, ठीक ना? तो पहन, हाँ जो ना है जे तो अब ठीक छे। अरे वाह रोशनी, नहा लिया? गुड गुड, अच्छी लग रही है, सुंदर, वेरी गुड। तो हीरोइन बनी भाई है क्या अब रोशनी? बड़े लगने ना है। हाँ कर लगने क्यों, बड़े बड़े लगने ना ते दीदी भी देखने होलते अब ब्लॉग मेरा ब्लॉग। तो उन्होंने बोल के हाँ रोशनी मन लगी गए। और ये मौका पैरों में थी कुछ से उतना लड़ना बड़े लगने बढ़िया अब ये नहीं कह रहे योग। हाँ ठीक ना, सुंदर लग रही थी बहुत, देख ले अच्छी लग रही है। ये देखो लग रही है रोशनी। जब सारे लोग थे ना यहाँ पे तब रोशनी ना हमारे साथ डाइनिंग में खाना खा रही थी और ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए तैयार थी नहीं। और इसका ना एक स्वेटर था, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, इसने वो स्वेटर उतारा ही नहीं। और मैं एक चीज और दिखा रही हूँ आपको, इसकी मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। इसने पेट दुखा दिया हंसते हंसते। हाँ रोशनी ये क्या है बता? के कुर्ता जी? हाँ के कुर्ता जी, यो क्यों लिया थी? यही थी गर्म कुर्ता, बताओ बताओ हैं क्यों लिया को बोल दे, बोल भाई जंतु बुनी जी में मैं बोल ना तुम्हें मैं क्या हैं जब ठंडा हो ना, जब ठंड हो ना तिल के बोल मेरा फेवरेट चीज। तो रोशनी बोल लगी कि मेरा कुर्ता वाला फेवरेट ऊन और कुर्ता और यू टोपी वाला। अमिल बोल जूना मैन तू एन केरी दीदी तक साइबर हब जाए घुमाना ये कुर्ता ये टोपोल पहन के, ठीक है? अरे राम हाँ जाड़ों में पहनना। हाँ तो जाड़ों में जब तू तो दीदी के साथ घूमने जाएगी तब पहनना इसको। इसको तो धो धो करके बढ़िया ढंग से संभाल के रख दे, ठीक है? तभी दीदी जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तब दीदी मार्केट जाएगी, तेरे को कपड़े खरीदेगी, ठीक है ना? और ये तो मैं लाई थी तेरे को 2-3 पेयर कि तू यहाँ घर में क्या पहनेगी, क्योंकि यहाँ सूट से गर्मी लगती है घर में ना। तब मैं तेरे को कह रही कि ऐसा पहन तो बहुत इजी रहेगी, ठीक है? चल संभाल दे इसको। हाँ तो रोशनी जिस दिन तू ये फेवरेट कुर्ता पहन ना जाड़ू में तो म्यो वो दिन जरूर फोटो भेज। हाँ हाँ कि म्यो आई कुर्ता पहन रही, अब फिट उन्होंने त्यों मैं तो उन्होंने ढीलो चु कबिल ही आई कबिल ही महलचोरी में। अच्छा चल बेटा बढ़िया। मिठी आ गई है, मिठी तेरे को आज सरप्राइज है एक, ये देखो रोशनी को देख कैसी लग रही मिठी,
ले रोशनी ले बेटा एक कटोरी रख तो अच्छा लग रहा ना। कितना 10 kg कम। गुड वेरी गुड। कैसा लगा मिठी देखो देख रोशनी लग रही है एकदम बढ़िया मस्त। रोशनी ने आज काम भी अच्छा किया है किचन विचन बहुत बढ़िया साफ करी है। गुड वेरी गुड ऐसी सीखेगी है ना। नहा लिया तुमने? मस्त लग रही है मस्त लग रही है। वेरी गुड। ये निकाल बैठने को मैंने बोला उसको चल नीचे चल दीदी लोग आप जाओगी। अब आ गई ना अपने उसमें रिदम में आ गई हो अब। भैया को नहला देगी तू छोटू को? पूछ रही हूँ मैं नहीं नहला पाती हूँ। मैंने तुम लोगों को एक साल तक नहीं नहलाया तो मैं उससे उसको सच्ची बोलूंगी। मैं पूछ रही हूँ मैं उसको। बाकी दीदी को अपनी जैसी कर देना और खुद तो दीदी जैसी हो जाना ठीक है। ठीक है दीपेश। रोशनी रोशनी खड़ी हो। रोशनी को देखो रोशनी में कितना चेंज देखो। अच्छा आज का बाथटब भी आ गया। बाथटब भी आ गया है कल से नहाएगा बच्चा। वही वही हॉस्पिटल से ही लिया। अच्छा जी गुड। अरे वाह चल रोशनी अब बनाते हैं खाना पीना। ये प्याज काट ले ठीक है। पहले दीदी की खिचड़ी बना देती हूँ। कमर अरे वो वहाँ तो कपूर है। कपूर आना ही बना लेते हैं खाना पीना। रोशनी मैडम का कट चुका है प्याज टमाटर। रोशनी थोड़ा सा चटनी भी बनाना है। तो रोशनी आज का पूरा वीडियो तेरे नाम था। अब रोशनी ने चाय भी पिला दी है। बढ़िया वाली चाय पिलाई आज रोशनी ने। आज का पूरा वीडियो रोशनी के नाम। ओए यहाँ देख कुछ तो बोल ले हैं। यहाँ देख ना देख 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 क्या बोलना चाह रही हैं। कुछ नहीं। अरे यार मुस्कुरा दे फिर मुस्कुरा तो दे। तो आज का पूरा वीडियो हुआ है रोशनी के नाम। रोशनी की एक्टिविटीज़ और अब कुछ दिन में फिर दिखाऊंगी कि रोशनी फिर कितनी एक्टिव हो गई है। आज फर्स्ट क्लास से एक और सामान आया। ये रोशनी ने ही पिक किया था। क्या होगा इसमें अब सारा सामान आएगा फर्स्ट क्लास से। अच्छा अच्छा दिखा तो साइज दिखा। वेस्ट और इसका डायपर कॉम्बो है। कॉम्बो है। अरे ठीक है लंबी तो नहीं ज्यादा ठीक है। कलर थोड़ा लंबा है ना ठीक है थोड़ा काम हो जाएगा। नहीं नहीं काम तो आ जाएगा ना। तो सुसु करके भिगा नहीं तो रह क्या। लेकिन ठीक है मैंने तो वही किया था 0 to 3 months का सर्टिफिकेट। ठीक है पलटी है ना कॉटन। अच्छा अब मिठी अपनी शॉपिंग भूल जाएगी अब कुछ टाइम के लिए ना। कुछ टाइम मिट्टी भूल जाएगी अपनी शॉपिंग। अब बच्चे के लिए ही शॉपिंग करो होता है ऐसा। मिट्टी को देख देख के अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो खैर नहीं था ये ऑनलाइन वाला चक्कर। लेकिन हाँ ये फर्स्ट क्राई का तो बढ़िया है। एक ही दिन में कल शाम को किया था ना ऑर्डर। कल शाम ऑर्डर किया था और आज पहुँच गया ये बढ़िया है। कितने कितने का है डायपर का पैक? मैंने भी ना छोटा ही मंगाया है क्योंकि साइज। नहीं कितने पीस है इसमें? 64 बहुत है ठीक है। बड़ा पैक मंगाने में ही फायदा भी है ना। नहीं अभी मुझे ये ना कहीं छोटा का साइज अभी थोड़ा लंबा भी हो रहा है। नहीं तो 64 का ठीक है। इसके बाद देखना कि अगर थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ती है फिर तब दूसरा ले लेना।
कल जो कल चला गया और आज गर्मी कम है, बढ़िया सा मौसम हो रखा है गुड़गांव में। जैसे एक बार बहुत टेम्परेचर बढ़ गया था ना, लेकिन दो तीन दिन से बढ़िया मौसम हो रखा है। अगर बैठ रखे हैं, पंखा नहीं भी चल रहा है तो चलेगा। तो शाम का बज गया है 6 और दो तीन दिन से गुड़गांव का मौसम बहुत अच्छा, और अगर पंखा नहीं भी चल रहा है तो चलेगा। इस टाइप का मौसम हो रखा है, लग रहा है कि हमारे पहाड़ों में खूब बारिश हो रही है, इसलिए प्लेन में थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक हो गया है, नहीं तो बीच में तो बहुत सारी गर्मी होने लग गई थी। तो दगड़ियों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और नहीं भी लगी है तो फिर भी बताना कमेंट करके। और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मैं फिर कुछ और कोशिश करूँगी अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने की, तो इसलिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय।